हेलो फ्रेंड, मैं हूं राजू रंजन पटेल और आप देख रहे हैं फार्मा एक्सपर्ट चैनल। फ्रेंड, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि फार्मा के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और फार्मा में डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसका यूज फार्मा इंडस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि बैलेंस का जो लिस्ट काउंट होता है, कैसे हम किसी भी बैलेंस के लिस्ट काउंट को पता करेंगे। फ्रेंड्स, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना सीनियर से ना जूनियर से, कि भाई इस बैलेंस के क्या लिस्ट काउंट होगा। मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप बैलेंस को देखते ही, उसका डिस्प्ले देखते ही आप बता देंगे कि इस बैलेंस का लिस्ट काउंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखते हैं कि लिस्ट काउंट क्या होता है और कैसे। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कि लिस्ट काउंट क्या होता है और कैसे इसको हम किसी भी बैलेंस के लिस्ट काउंट को पता करेंगे। फ्रेंड्स, लिस्ट काउंट क्या होता है, सबसे पहले इसका डिफिनेशन, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में जब भी आप इंटरव्यू देंगे तो आपसे पूछा जाता है कि लिस्ट काउंट क्या होता है। काउंट के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लिस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम वेट, लिस्ट काउंट क्या होता है कि मिनिमम वेट डिस्प्ले बाय बैलेंस। यानी हिंदी में आपको समझाते हैं कि किसी भी बैलेंस को कम से कम, यानी जितना कम हो सकता है उतना वेट अगर कोई बैलेंस डिस्प्ले करता है, दिखाता है, दैट इज कॉल्ड काउंट। जैसे एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि ये आपका डिस्प्ले है, ये आपका बैलेंस है, इसमें अगर जीरो, आप देखे होंगे 0.000 इस तरीके से लिखा रहता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा कोई, अगर इस पे हम कोई वेट रखते हैं, सपोज कीजिए ये हमारा पैनल है, ये पैनल है, पैनल हमारा डिस्प्ले से कनेक्टेड है, ये हमारा डिस्प्ले है। तो फ्रेंड्स, पैनल से हमारा जो है डिस्प्ले कनेक्टेड होता है, जब इसके ऊपर हम फिंगर रखेंगे या छोटा सा छोटा वेट रखेंगे, तो ये फ्रेंड्स हमारा जो वेट है, ये वेट इस पे शो करेगा, वेट शो करेगा। देखिए ये क्या है, सब ये केजी में है और केजी के पॉइंट का पार्ट ये है, यानी ये जो शो करेगा ग्राम है और ये जो हो जाएगा केजी है, यानी पॉइंट के बाद अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पॉइंट में केजी में हो जाएगा, अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि सपोज कीजिए कि ये 30 केजी का बैलेंस है, ये पूरा जो है 30 केजी का बैलेंस है, जिसमें डिस्प्ले में हमारा जो रीडिंग है 0.000 करके कर रहा है। तो इसमें अगर जैसे हम छोटा सा वेट रखेंगे तो यहाँ की जो डिजिट है, लास्ट डिजिट, ये चेंज होगी। ये चेंज होकर कैसे होगा, 0. अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए कि अगर इसका लिस्ट काउंट 0.005 है, ठीक है, सपोज कीजिए, तो आपको ये डिस्प्ले करेगा 0.0005। अगर ये बैलेंस का लिस्ट काउंट अगर 2 ग्राम होगा तो ये शो करेगा 0.002। अगर इसका लिस्ट काउंट 0.001 होगा तो ये शो करेगा 0.001। यानी फ्रेंड्स, जो लास्ट का डिजिट है वो कौन सा वैल्यू शो कर रहा है, अगर 5 शो कर रहा है तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.005 केजी। ये केजी हो जाएगा, ये केजी हो जाएगा, ये केजी हो जाएगा। केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहे तो आप आराम से कर सकते हैं, 1 केजी इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको, अगर ये वर्ट कर सकते हैं। फिर आगे है फ्रेंड्स, ये हो गया आपका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट फ्रेंड्स, हमेशा जब आप इसके ऊपर बैलेंस के ऊपर वेट रखेंगे तो ये क्या होगा कि ये 0.005 है, ये मल्टीप्लाई होता जाएगा। मतलब ये फ्रेंड्स कि अगर सपोज बैलेंस का, किसी बैलेंस का लिस्ट काउंट 0.005 केजी है, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल दिया था, ठीक है, ये बैलेंस है, ये बैलेंस का डिस्प्ले हो गया, ये उसका पैनल है जिसके ऊपर वेट रखते हैं, ये डिस्प्ले हो गया, ये 30 केजी का बैलेंस है, ठीक है, ये जो टोटल है ये 30 केजी का बैलेंस है, ये बैलेंस हो गया। फ्रेंड्स देखिए, ये लिस्ट काउंट है, इसको हम बोले लिस्ट काउंट, यानी इस बैलेंस का हमारा लिस्ट काउंट क्या होगा, 0.005 केजी है। तो फ्रेंड्स, जब भी इसके ऊपर हम वेट रखेंगे तो इसका जो वेट का जो डिस्प्ले में फ्लक्चुएशन होगा वो 0.005, 0.010, यानी 5 का मल्टीपल होगा, 5, 10, 0.015, 0.020, 0.025, 0.030, इस तरीके से करके हमारा 1.00 केजी इस तरीके से शो करेगा। फ्रेंड, ये हमारा हो गया लिस्ट काउंट
कैसे हमारा बढ़ेगा। तो फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने की बात है कि जब भी अगर आपका 30 केजी का बैलेंस है, 0.005 केजी उसका लिस्ट काउंट है, तो जब भी आप वेट लिखें, अगर सपोज कीजिए 5 किलो कोई वेट है जिसके ऊपर हम रख रहे हैं और उसका जो वैल्यू है 0.0 इतना है, इतना केजी है, और आपने गलती से लिख दिया 5.002, तो ये जो है फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा फार्मा में, ये आप पकड़े जाएंगे कि आपने दिख नहीं रहा है, तो हम ऊपर रख करके लिख देते हैं ये 30 केजी के बैलेंस पर ये वेट होना चाहिए, लेकिन आपने लिख दिया है 0.002 केजी, तो फ्रेंड्स ये गलत हो जाएगा, ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमारा जो लास्ट में जो हमारा लिस्ट काउंट है 0.002 शो कर रहा है, जो कि ये बैलेंस जो है हमारा 30 केजी का ये कभी भी लास्ट में 2 शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका लास्ट लिस्ट काउंट 0.005 केजी है। अब अगला एग्जांपल देते हैं फ्रेंड, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है फ्रेंड, सपोज कीजिए कि इस बैलेंस ये 30 केजी का बैलेंस है और इसका जो लिस्ट काउंट है आपको पता नहीं है कि इसका लिस्ट काउंट कितना है, तो आप जैसा कि हमने बताया आप इस पर फिंगर रखिए पैनल पे या छोटा सा वेट रखिए, देखिए कि ये मिनिमम कितना डिस्प्ले करता है, सपोज कीजिए कि ये 0.002 डिस्प्ले किया, अब इससे कम नहीं करेगा, अब इससे क्या हो जाएगा, अगर इससे कम करेंगे यानी कुछ नहीं रखेंगे तो 0.00 ये हो जाएगा, तो मिनिमम हमारा ये शो कर रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 0.002, जैसे हम इसके ऊपर वेट रखें ये डिस्प्ले कर रहा है सबसे कम से कम जो वेट शो कर रहा है 0.002 केजी, ठीक, अगर इससे कम करेंगे यानी वेट हटा देंगे या फिंगर हटा देंगे तो ये शो करेगा, तो ये 0 शो करेगा यानी ये न्यूट्रल हो गया, अगर मिनिमम इतना शो कर रहा है तो इसका मतलब हो गया कि ये हमारा लिस्ट काउंट हो गया, लिस्ट काउंट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो सपोज कीजिए कि किसी भी बैलेंस की लिस्ट काउंट 0.002 है, अगर इसके ऊपर हम वेट रखते हैं तो ये हमेशा डिस्प्ले करेगा, सपोज कीजिए 5 केजी है तो ये 5.002 करेगा या 5.004 करेगा या 5.006 करेगा, यानी आप देख रहे हैं कि जैसे जो भी वेट होगा वो फ्रेंड्स 2 के मल्टीपल में ही शो करेगा, अगर इसके जगह पे आप 5.005 लिख देंगे या 5.010 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैलेंस है ये शो ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट जो है 0.002 ग्राम है। तो फ्रेंड्स ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा है फ्रेंड, दूसरा चीज आपको बताता है स्प्रिट लेवल क्या होता है, स्प्रिट लेवल इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे भी आप बैलेंस का वेरिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले आप स्प्रिट लेवल टेस्ट करते हैं, स्प्रिट लेवल फ्रेंड्स ये दो तरह का होता है, एक तो इनबिल्ड होता है यानी ये अटैच होता है आपका, ये अटैच होता है बैलेंस के साथ, अगर बैलेंस पे नहीं है फ्रेंड्स तो एक स्प्रिट लेवल, एक लेवल स्प्रिट लेवलर होता है, यानी फ्रेंड्स कैसा होता है, अगर सपोज कीजिए कि ये पैनल है, बैलेंस का ये पैनल है तो इसके ऐसे नीचे फ्रेंड्स एक छोटा सा स्टैंड होते हैं जिसमें हम बैलेंस के पैन को रखते हैं, और ये स्क्रू वाला होता है फ्रेंड्स, इसको अब हम खोल यानी इसको हाइट को कम बेसी कर सकते हैं, और इसमें फ्रेंड्स पीछे आप देखेंगे कि इस टाइप का बबल लगे होते हैं, इस तरीके का होता है और इसके अंदर लिक्विड होता है, अगर लिक्विड मिडिल में है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा पैनल है वो पूरा बराबर है, कहीं पर कोई इंक्लाइन नहीं है, डिक्लाइन नहीं है, बराबर है, अगर फ्रेंड्स अगर ये चीजें ये स्प्रिट लेवल अगर बैलेंस में अटैच नहीं है तो इसके जगह पर फ्रेंड्स एक दूसरा इक्विपमेंट होता है जो इस तरीके से होता है, और इसमें फ्रेंड्स ऐसे लिक्विड होते हैं और इसमें वाटर होते हैं, अगर इसमें बबल्स बनते हैं, अगर बबल्स सपोज कीजिए ये बबल्स अगर बीच में ऐसे बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि इधर का दोनों तरफ का बैलेंस जो है वो बराबर है, तो इसको हम बोलते हैं स्प्रिट लेवल फ्रेंड्स, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बैलेंस के पैनल में अगर किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वो जो वेट का डिस्प्ले करेगा वो गलत करेगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही,
नेक्स्ट हम फ्रेंड्स बताएंगे कि ऑपरेटिंग रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, टॉलरेंस लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम आपको क्लियरली बताएंगे, कैलकुलेशन करना भी बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।